दोस्तों कहा जाता है कि माता पार्वती को स्नान करने जाना था और उस दौरान पहरा देने के लिए कोई नहीं था, तो उन्होंने जो उबटन लगाया था उसे एक पुत्र बनाया। इस बीच भगवान शिव आते हैं तो गणेश जी उन्हें वहां रोक देते हैं। इससे अपमानित होकर क्रोध में भगवान शिव अपने त्रिशूल से उनका सिर धड़ से अलग कर देते हैं। जब माता पार्वती को ये बात पता चलता है तो वो रोने लगती है और आग बबूला हो जाती है। इस पर भगवान शिव अपने गड़ों से कहते हैं कि जाओ उत्तर दिशा में जो सबसे पहला सिर दिखेगा उसे लेकर आना। उनके गढ़ वैसा ही करते हैं और उत्तर दिशा में सबसे पहला सिर उन्हें इंद्र के हाथी इरावत का दिखता है। वो सिर लेकर आते हैं और भगवान शिव हाथी का सिर लगाकर गणेश जी को जीवित कर देते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि गणेश जी के हर मंदिर में गजमुख यानी हाथी के सिर के रूप की पूजा की जाती है, कहीं भी उनके पहले वाले इंसानी रूप की पूजा नहीं की जाती। लेकिन यह दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां गणेश जी के इंसानी रूप की पूजा की जाती है। वैसे तो विघ्नहर्ता गणेश जी के बहुत से प्रसिद्ध मंदिर हैं, लेकिन सभी मंदिरों में गणेश जी के गजमुख अवतार यानी हाथी के सिर के साथ पूजा जाता है। लेकिन इस मंदिर में गणेश जी को उनके नरमुख अवतार यानी इंसानी चेहरे के साथ पूजा जाता है, इसलिए इस गणपति को नरमुख विनायक भी कहा जाता है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है और जिसका नाम है आदि विनायक मंदिर, जो 7वीं शताब्दी में बनवाया गया था। और यह मंदिर भारत के सबसे पुराने गणेश मंदिरों में से एक है। लोक कथाओं की माने तो महर्षि अगस्त्य प्रत्येक संकट चतुर्थी के दिन आदि विनायक की पूजा करते थे। और ये भी जाना जाता है कि यहाँ गणेश जी की पूजा अर्चना करने से पारिवारिक संबंधों में शांति आती है। दोस्तों इस मूर्ति में भगवान गणेश के एक हाथ में कुल्हाड़ी है तो वहीं दूसरे हाथ में उनका पसंदीदा भोजन मोदक है। कहा जाता है कि एक बार भगवान राम ने अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए आदि विनायक मंदिर में पूजा करवाई थी। तब से इस मंदिर की मान्यता है और लोग अपने पितरों की शांति के लिए पूजा पाठ करवाने आते हैं। यहाँ पूजा नदी के किनारे करवाई जाती है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखें।